السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حياكم الله جميعا يا أبنائي. आप लोग के बाद ये एक्सरसाइज थी तर्जुमा करो जिसके अंदर, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह किया। एक मरतबा आपको उसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में जो है आसानी हो। हमारे पास पहला लव है, यहाँ पे हमारे पास है ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। तो हमको ये की अरबी मालूम है, ये की अरबी है हमारे पास हादा, ठीक है। और कुत्ते की अरबी हमको मालूम है तो हम कहेंगे कलबुन, हादा कलबुन। फिर इधर है वो घोड़ा है, तो वो की अरबी जो हमारे पास है वो जालिका, क्या है जालिका, तो हम बोलेंगे जालिका जालिका फरसुन, जालिका फरसुन वो घोड़ा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऊंट है, ठीक है। तो ये की अरबी हमको मालूम है हादा, और आगे हम क्या डाल देंगे जमलुन, हादा जमलुन ये ऊंट है, ठीक है। इधर फिर हमारे पास कुत्ता आ गया, वो कुत्ता है तो हम बोलेंगे जालिका 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 कलबुन, जालिका कलबुन ये घोड़ा है, तो हम यहाँ बोलेंगे हादा हादा फरसुन, हादा फरसुन ठीक है, वो ऊंट है। जालिका जमलुन, जालिका जालिका जमलुन, जालिका जमलुन ये कलम है। हादा हादा कलमुन, हादा कलमुन वो किताब है, वो किताब है, तो हम बोलेंगे जालिका ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका किताबुन ये इंसान है, ये इंसान है। हाजा हाजा इंसानुन, हाजा इंसानुन, हाजा इंसानुन वो हैवान है। ज़ालिका हैवानुन, ज़ालिका ज़ालिका हैवानुन, हैवा नून ज़ालिका हैवानुन ये सवाल है, ये सवाल है। हम हाजा हाजा सुआलुन, अरबी में इसको सुआल बोलते हैं, सवाल नहीं बोलना हमको, क्या बोलना है सुआलुन, क्या बोलना है सुआलुन, सुआलुन हाजा सुआलुन वो जवाब है। ज़ालिका 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 जवाबुन, ज़ालिका जवाबुन वो जवाब है, दालिका जवाबुन वो जवाब है। उसके बाद हमारे पास वो किताब है, तो दालिका किताबुन, दालिका दालिका किताबुन। और हमारे पास वो कुरान है तो हम बोलेंगे दालिका ذلك قرآن، ठीक है, क्या बोलेंगे हम قرآن ذلك قرآن वो आसान है। आसान की अरबी आती है सहल, सहल तो हम बोलेंगे ذلك ذلك سهل सहलुन, जालिका जालिका सहलुन, जालिका सहलुन। तो ये आपको सब जो है होमवर्क करके आपको आना है इंशाअल्लाह। उसके बाद हमने लेसन नंबर टू स्टार्ट किया। लेसन नंबर टू के अंदर हमारे पास जो है दो दो चीजें थी, मन, एक हमारे पास मन है जिसके बारे में अभी हमने आपको समझाया कि मन जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है कौन, मीनिंग क्या है, मीनिंग होता है इसका कौन। और कौन ये हम इस्तेमाल करते हैं सवाल के लिए, सवाल के लिए यूज करते हैं, सवाल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और कब यूज करेंगे वो भी आपको बताया, वो भी आपको हमने बता दिया कि हम इसको कब यूज करेंगे, ओनली आकिल के लिए, ओनली आकिल के लिए। और आकिल में हमारे पास ओनली
मखलूक है, कौन सी? इंसान, हाँ इंसान, उसके बाद जिन, उसके बाद फरिश्ते, ठीक है? यही तीन मखलूक हमारे पास ऐसी है जो आतिल है। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको ध्यान देना है। मन मीनिंग है कौन, सवाल के लिए यूज करते हैं, ओनली आतिल के लिए। यहाँ पे इंसान आप जो है लिख दें, इंसान, ठीक है, इंसान, जिन फरिश्ते के लिए, बाकी के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इधर हमारे पास है माँ, माँ का मीनिंग है क्या, ये भी सवाल के लिए हम यूज करते हैं, ये भी हम सवाल के लिए यूज करते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ओनली गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको, ओनली गैर आकिल के लिए, गैर आकिल के लिए यूज करना है हमें। और माँ का मीनिंग आपको पता चल गया, ठीक है? अब हमारे पास एक्सरसाइज देखिए, मन हादा, मन हादा, ये कौन है? अब हमारे पास जो यहाँ पे जो है ये आदमी आकिल है, हादा रजुलुन, देखिए ये देखिए आदमी है हमारे पास, तो हादा रजुलुन ये आदमी है, मन हादा, मन हादा, इसको कई बार आप लोग को पढ़ना है, मन हादा, मन हादा, ये कौन है? हादा रजुलुन, हादा रजुलुन, ये आदमी है। अब अगर यहाँ पे बुक होती तो हम मन यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस चीज का आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे देखें, हमारे पास है मादालिका, हमारे पास है मादालिका, और यहाँ पे हमारे पास है बंदर है सामने, तो बंदर जो कि आकिल नहीं होता, तो मादालिका हम तर्जमा करेंगे, वो क्या है, वो क्या है? ज़ालिका किर्दुन, 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 किर्दुन बंदर, वो बंदर है, वो बंदर है, तो आपको वो बंदर है। उसके बाद फिर आपके पास जो है एक जुमला है जिसमें लिखा हुआ है मन हादा, ये कौन है, बॉय की तरफ इशारा है, मन हादा, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है? तो आपको जवाब देना, हादा वलदुन, हादा वलदुन, वलदुन मतलब बॉय, ये लड़का है। अब यहाँ पे हम माँ हादा नहीं कह सकते सवाल, क्यों? क्योंकि लड़का आकिल है, तो इसलिए फर्क को समझना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गधा है, ठीक है? तो सवाल हो रहा मादालिका, मादालिका, वो क्या है? अब चूंकि अब हम यहाँ पे मन दाली का नहीं कह सकते क्योंकि गधे को अकल नहीं है, तो हम कहेंगे मादालिका वो क्या है, मादालिका वो क्या है, वो क्या है, ठीक है? अब हमारे पास जवाब है दालिका हिमारुन, दालिका हिमारुन, वो गधा है, वो गधा है, दालिका हिमारुन, वो गधा है। तो ये इस तरीके से आपको जो है पूरा अच्छे से जो है ध्यान देना है, और फिर आप लोग को कल जो है ये एक्सरसाइज करके आना है, ठीक है? देखिए ये कौन है, ठीक है? तो ये की अरबी आपको मालूम हादा, कौन की अरबी आपको मालूम मन, ये की अरबी आपको मालूम है, कौन की अरबी भी आपको मालूम है, तो हादा और मन। अब आपको कैसे यूज करना है वो आपको देखना है। इसी ये आदमी है, ये भी आपको मालूम, आदमी की अरबी भी आपको मालूम, तो आपको कल पूरा होमवर्क करके आना है, ठीक है? जुमेरात को इंशाल्लाह मैं आप लोग का पूरा सुनूंगा, ठीक है? और पिछले हफ्ते एक ही क्लास हुई थी, दूसरी क्लास नहीं हो पाई, तो अगर मुमकिन हुआ, अगर कल मुझे टाइम मिला तो कल मैं मैसेज करूंगा, अगर क्लास रही तो आप लोग को पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप लोग को ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से करके आना है इंशाल्लाह सबको।